कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या, जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी, उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्म बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्म जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबी थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये सरकार लगातार एक एक हरियाणवी के हित को ध्यान में रखते हुए ये मजबूती से काम कर रही है। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों, एक एक घर के अंदर जाकर के ये डबल इंजन सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम एक एक घर के अंदर जाएंगे। अब ये बैठने का समय नहीं है, इस भयानक गर्मी के अंदर एक एक घर में जाने का समय है। आज हमारा सेवादारों को नौकरी दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी अभी, अरे हम तो नौकरी देना चाहते थे, आपने ईर्ष्या के कारण कचहरी पहुंचे थे, नौजवानों को नौकरी कैसे नहीं मिले। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट को, उन्होंने कांग्रेस के इस मनसूबे को पहचाना, हमें मौका दिया बिना खर्ची बिना पर्ची के टीचर्स को नौकरी देने के लिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात उठाते हैं, बल
जय भारत माता की। वंदे वंदे। धन्यवाद।